कास्ट का हमारा सिस्टम है उस पर जो रिजर्वेशन का एक बड़ा सवाल उठाया है कि इस सिस्टम को हमें ठीक करना होगा, क्योंकि भीमराव अम्बेडकर साहब ने जो कॉन्स्टिट्यूशन में लफ्ज़ इस्तेमाल किया था वो कम्युनिटीज़ का इस्तेमाल किया था, लेकिन उसको कास्ट बना दिया। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, रिजर्वेशन पूरी तरह से फेल हुआ है और जातिवाद मिटने के बदले और गहरा हो गया है। हमें आज पूरे देश के अंदर इस इक्वालिटी के बुनियादी सवालों को लेकर के आंदोलन करने की ज़रूरत है। औरतों की बराबरी और साथ में जातिवाद को पूरी तरह मिटा कर एनाहिलेशन ऑफ कास्ट कहा था अम्बेडकर ने, न कि इंट्रेंचमेंट ऑफ कास्ट, तो और ज़्यादा मजबूत हो गया। तो इसलिए मुझे लगता है कि पूरे के पूरे रिजर्वेशन पॉलिसी के बारे में फिर से दोबारा सोचना चाहिए सबको कि क्यों नहीं 70 साल के बाद भी हमारे देश में दलितों के बीच में हो, आदिवासियों के बीच में हो, उस तरह की बराबरी आ पाई जिसके लिए हम लोगों ने रिजर्वेशन का सहारा लिया था और कुछ चंद लोगों ने फ़ायदा उठाया और वो आज भी उठाते चले जा रहे हैं। भारत का राष्ट्रपति जो हमारे दलित पृष्ठभूमि से हैं, मैं जानना चाहूँगा कि क्या आज वो राष्ट्रपति बनने के बाद भी शेड्यूल कास्ट का बेनिफिट लेते रहेंगे? इससे बड़ा कोई देश क्या दे सकता है उनको भारत के वो राष्ट्रपति बने? उन्हें तो जिस समय वो सुप्रीम कोर्ट के वकील थे तब छोड़ देना चाहिए था, जब वो राज्यसभा के दो बार मेंबर बने तब छोड़ देना चाहिए था, बिहार के गवर्नर बने तब छोड़ देना चाहिए था। आज कम से कम वो आगे आए और कहें कि मुझे और मेरे परिवार के लिए मैं राष्ट्रपति हूँ, मुझे कोई रिजर्वेशन की ज़रूरत नहीं। सर, पीएनबी घोटाले में जिस तरीके से 23,000 करोड़ से ऊपर का मामला पहुँच चुका है, सरकार विपक्ष पे आरोप लगाती है कि यह मामला चूंकि 2012 से था, विपक्ष सरकार पर आरोप लगाता है कि 2016 में सरकार को बता दिया गया था, पीएमओ ऑफिस को बता दिया गया था, उसके बाद कार्रवाई करते हैं, कैसे देखते हैं पूरे मामले? मैं कहता हूँ दोनों अपराधी हैं। यदि कांग्रेस के टाइम पर यह शुरू हुआ और आज हमारे 4 साल के बाद नरेंद्र मोदी की सरकार कह रही कि उन्होंने शुरू किया, तो तुमने 4 साल में क्या किया? क्यों नहीं ऐसे लोगों को तुमने पकड़ करके जेल में ठूंसा? सबसे ज़्यादा वादा तो आपने किया था कि हम काले धन को ख़त्म करेंगे, देश से नहीं विदेश से भी लेकर के आएंगे। आज आपने हमारे देश के ऐसे ऐसे लुटेरे लोगों को बाहर जाने कैसे दिया? उनको लुकआउट नोटिस जारी हो चुका था, उसके बावजूद कैसे वो लोग निकल करके चले गए? कहने का मतलब ये है कि ये सारी मिली भगत हैं और एक नीरव मोदी नहीं है। इस तरीके के 66 लाख करोड़ का एनपीए खुद प्रधानमंत्री के कहने के हिसाब से, जो पार्लियामेंट में उनका 66 लाख करोड़ रुपीज़ ये हजम कर चुके हैं हमारे बड़े बड़े उद्योगपति। एक एक को पकड़ करके आप उल्टा लटकाओ और बताओ दुनिया को कि हमने ये सारा उगलवा लिया इनसे, तो हम मानेंगे। और इस तरह से एक दूसरे का ब्लेम गेम करके और नाटकबाजी करके आप ख़त्म कर दोगे पूरी बहस को, इसमें हमारी कोई दिलचस्पी नहीं है। गरीब गरीब होता जा रहा है और चंद लोगों के हाथ में, जो आज जस्टिस केयर ने अपने भाषण में कहा 1% के हाथ में, उन्होंने तो 70% कहा था लेकिन आंकड़ा है 73%, 73% लोगों के, 73% दौलत 1% लोगों के हाथ में केंद्रित आज भारत के अंदर। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? चाहे कोई भी हुकूमत हो, हमें सबसे जवाब चाहिए। हम इस तरह की बकवासबाजी नहीं सुनना चाहते कि वो दोषी हैं तो वो दोषी हैं। तुम दोनों दोषी हो तो तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम जनता को बरगलाने के लिए तैयार रहते हो लेकिन खुद अपने ऊपर जिम्मेदारी लेकर के कोई काम नहीं करते।